एक्चुअली जो बीफ का टेस्ट है ना इसका बहुत अच्छा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं शेख शॉप पे और इसका बर्गर जो है ना काफ़ी फेमस था, तो सेठी ने कहा कि आज हम ये ट्राई करते हैं लंच में, तो टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसा है। लोकेशन इसकी ठीक है, लोकेशन कोई इतनी खास नहीं है, F11 में जो है ना ये लोकेट करता है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लोकेशन। सिवी जी, आपने कहाँ से इसके बारे में सुना था? मैंने फेसबुक से सर। फेसबुक से? तो अभी आपने क्या क्या ऑर्डर किया है? मैंने लाल किला स्पेशल। हाँ नहीं, शेक शॉप स्पेशल। और दूसरा सूजी। अच्छा, सूजी वैसे तो चाइनीज होती है, पता नहीं बर्गर में क्या होता है। अल्लाह खैर करे। चल साथ में हमने पीनट बटर और शेक और साथ में मेन मार्केट। So here is the Shake Shack special and Suzy. All right, so drink आ गई है, peanut butter shake और mint margarita. सिबी कैसा लगा, कैसा टेस्ट है इसका? बहुत मजे का। कौन सा? शेख साहब। अच्छा, चलो शेख साहब का रिव्यू आ गया, बहुत मजे का। अभी हम सूजी ट्राई करेंगे और फिर आपको रिव्यू देंगे। बीफ का टेस्ट है ना इसका बहुत अच्छा है। हमने इस्लामाबाद में काफ़ी दूसरे रेस्टोरेंट में भी ट्राई किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो इसके बीफ का टेस्ट है वो काफ़ी रेस्टोरेंट्स को क्रॉस करता है, काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी बेहतर है। तो मैं इसका रिव्यू करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप सूजी ट्राई करके दे दिया है सिटी को और अभी आ गया है शेख साहब। हाँ, तो शेख साहब की भी फीलिंग दिखाऊँ मैं आपको। लुक्स गुड। अब खा के इसका भी रिव्यू देखेंगे कैसा। शेख साहब भी खा लिया हमने और शेख साहब का टेस्ट और सूजी के टेस्ट में बिट डिफरेंस है। सूजी थोड़ा ना जूसी टाइप का, मुझे सूजी ज़्यादा पसंद है। शेख साहब थोड़े से ना सेवी की पसंद वाले हैं जिसमें एलापिनो ज़्यादा हो रही है, तो शेख साहब भी अच्छा था, सूजी ज़्यादा अच्छा था, ये मेरा व्यू है। और बस एक जो है ना छोटी सी इसमें कमी है, वो सिर्फ बन की, इनका बन जो है ना थोड़ा सा वीक लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। तो मैं इनको रिव्यू दूँगा कि आप जो है अपने बन को इम्प्रूव करें। सॉफ्ट था लेकिन उसकी जो नीचे की लेयर थी ना वो थोड़ी सी जो है ज़्यादा सॉफ्ट थी, वो ईजली ब्रेक हो गई थी। और क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी बहुत अच्छी बात करें थोड़ी सी बर्फ। सबसे मेन चीज़ जब बीफ आप खा रहे हैं ना थोड़ी सी बीफ कुक्ड होनी चाहिए, अच्छी कुक होनी चाहिए ताकि आपको खाते मज़ा आए। तो बीफ बहुत अच्छी कुक थी और प्राइस भी बहुत अच्छी थी। अब शेक पियेंगे और शेक का जरूर देंगे। मिंट का मार्गरिटा पिया है, सेवी मिंट मार्गरिटा कैसे? बस ठीक था, बस चल। मिंट मार्गरिटा का रिव्यू मिल गया कि मिंट मार्गरिटा इतना कोई खास नहीं आएगा, तो अब शेक पी के देखें। सेवी शेक ट्राई कर रहा है और लस्सी। यार टू गुड, कसम से बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। अच्छा, मैंने इससे मजे का नहीं दिया अभी तक। अच्छा, मार्केट है उसका क्या है? वो बस ठीक है, अभी चेंज करवाने के लिए दिया, देखो क्या बनता है। अच्छा, मिंट मार्केट का रिव्यू मिल गया, वो इतना खास नहीं है इनका, लेकिन जो है पीनट बटर शेक है वो अच्छा, और सेटिंग भी इनकी ठीक है, मुनासिब सी है, ओपन सेटिंग। पीनट बटर शेक इज सीरियसली टू गुड, लाइट सा और स्वीट, बहुत क्रीमी फ्लेवर, तो मज़ा आया। ये है जी शेक शॉक से भी कोई शॉर्ट रिव्यू। टू गुड, 10 out of 10। अच्छा, और मिंट मार्गरिटा में 0 out of 10।
ऐसा लग रहा था किसी ने जो है ना धनिया पुदीने को पीस के ना उसमें पानी डाल के फ्रीज करके हमें ला के दे दिए यहाँ जी पी हम। इसीलिए कहा था उसको वापस दोबारा उसी को पिलाओ जिसने बनाया, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और हमने उसको कहा कि जिसने बनाया एक बार उसको पिलाना, उसको उससे पूछना कि वाकई में ये मिंट मार्गरेटा है, बकाया पीनट बटर शेक टू गुड, बर्गर बहुत अच्छे, तो इसमें जो पैटीज थी बीफ पैटीज वेल कुक्ड सही जूसी थी, तो ओवरऑल खाने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ज़रूर आए, ज़रूर ट्राई करें, मिंट मार्गरेटा अवॉइड करनी है बस, पीनट बटर जितना मर्जी पिए, चलें ओवर एंड आउट।